हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और दोस्तों आपके लिए इंटरेस्टिंग भी वीडियो लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो आप सेटिंग अपने फ़ोन में कर लेते हैं। आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो तो आपका फ़ोन पे अगर कोई फ़ोन करता है, कॉल करता है, तो उसका नाम लेके बोलेगा कि किसका फ़ोन आ रहा है, ठीक है। बहुत तेज़ बोलेगा कि इसका फ़ोन आ रहा है, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए ये बताऊंगा कि आप ये सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, एमआई, रेडमी, ठीक है, आप बहुत सारे फ़ोन हैं, इंटेक्स वगैरह आपके पास कोई सा भी फ़ोन है तो आप उसमें ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, तो आज की वीडियो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, जल्दी में चले जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपके फ़ोन में एक यहाँ पे ऐप होगा डायलर नाम का, ये वाला, ठीक है। जैसे स्क्रीन देखते हैं यहाँ पे, ये डायलर आ रहा है, आप सही से देख सकते हैं, जिससे हम कॉल लगाते हैं किसी के लिए। ये तो आप लेना है, सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपके लिए जो मैं सेटिंग बताता हूँ अगर आपके फ़ोन में नहीं है, अगर नहीं मिलती है, तो मैं आपके लिए बताऊँगा कि आपके लिए करना क्या है एंड में, ठीक है। चलिए, जिसके फ़ोन में ये डायलर है उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। आप डायलर ओपन करने के बाद यहाँ साइड में, यहाँ कॉर्नर में थ्री डॉट देखने के लिए मिलते हैं, माइक के बराबर में ये थ्री डॉट आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब दोस्तों इस ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ तीन ऑप्शन निकल के आते हैं, कॉल हिस्ट्री, सेटिंग, हेल्प एंड फीडबैक। तो आप सेटिंग्स में आ जाना है इसकी। जैसे ही आप सेटिंग्स में आते हो, यहाँ कॉलर में सेटिंग्स में आते हैं, तो आप लिए बहुत सारे ऑप्शन आप लिए देखने के लिए मिलेंगे यहाँ, बहुत सारे, ठीक है। तो क्या करना है आप लिए, सही से मैं आप लिए बता दूँगा, आप लिए थोड़ा नीचे आना धीरे धीरे। जब दोस्तों आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपके यहाँ पे एक सेटिंग यहाँ देखने मिलती है, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, ये वाली सेटिंग। तो आप लिए करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लिए अनाउंस कॉलर आईडी, इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपके फ़ोन में ये सेटिंग नेबर पे होगी, ठीक है। तो आप लिए यहाँ पे नेबर पे होगी, तो क्या करना है आप लिए, सबसे ऊपर यहाँ पे जो सेटिंग आ रही है ऑलवेज, आप लिए ऑलवेज कर देना है। जैसे ही आप ये सेटिंग कर देते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अब मैं अपने फ़ोन पे फ़ोन लगाता हूँ, फिर मैं आपके लिए सुनवाता हूँ ये कैसे नाम लेके बोलेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, और जिन लोगों के लिए ये सेटिंग नहीं मिली है मैं उनके लिए भी बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों, मैंने दूसरे फ़ोन से फ़ोन लगाया है लाइव प्रूफ, अब आप देखेंगे कि कैसे। जैसे आपने सुना कि नाम लेके बोल रहा था किसका फ़ोन आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताता हूँ ये सेटिंग जिसके लिए नहीं मिल रही है तो उनके लिए क्या करना है। अपने फ़ोन में फाइनली डाटा ऑन करना है, और यहाँ प्ले स्टोर नाम का ऐप होता है, ये प्ले स्टोर आप लिए इसे ओपन कर लेना है। फाइनली आप लिए प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लिए यहाँ सर्च का ही ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ सर्च बॉक्स में आप क्लिक करना है, आप लिए यहाँ लिखना है गूगल डायलर, ठीक है। हम क्या करते हैं, गूगल डायलर यहाँ सर्च कर लेते हैं, गूगल डायलर ये होगा, ठीक है, गूगल डायलर ये वाला, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला गूगल डायलर, ठीक है। अगर जिसके में नहीं आ रहा है वो डाउनलोड कर लेना, उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आप लोग उसे अपडेट कर लेना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था गूगल डायलर, ये वाला ऐप है, इसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग बता दिया कि आप ये सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में।